भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पहले गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद भारत की कई रियासतों को देश में विलय कराया था, जिसके बाद से उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है। उनके जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर आज उनको याद करते हुए श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधने का काम किया, और आज हम इस बात को लेकर के गौरवान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन विचारों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन सपनों को पूरा करने का काम इस देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते पर चल करके आज देश के अंदर बखूबी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सब लोग भी संकल्प लेते हैं कि भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्धित होकर सभी देशवासी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उन विचारों पर चल करके अपने देश को एकता के सूत्र में और दृढ़ता के साथ आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के पर्व पर हम सब लोग मिलकर के काम करने का प्रयास करें।